हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा सुबह सुबह ही खाना बन रहा है दोस्तों, देख रहे हैं आप सभी लोग। किचन में बहुत सारा सामान फैला हुआ है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं पापड़, और हम पापड़ की भी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि होली की अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, इसलिए हमें सारे काम अकेले ही करने हैं। पापड़ भी हमें अकेले ही बनाने हैं और घर की साफ़ सफाई भी करनी है। तो हम सुबह जल्दी उठ गए हैं और आज हम पापड़ बनाने वाले हैं। तो आज हम चावल की कचरी बनाने वाले हैं दोस्तों। देखो, हम पापड़ की कचरी बना रहे हैं। तो चावल की कचरी हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। चावल को हमने पका लिया है, गला के पकाया है चावल को, और हम छत पे आ गए हैं और छत पे हम कचरी बना रहे हैं। थोड़ी सी हमने आलू की चिप्स भी बनाई है। सुबह सुबह ही हम ये सारे काम कर रहे हैं क्योंकि आज हमें मम्मी के घर भी जाना है। मम्मी के घर में आज पूजा है, सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो हमें कथा में भी जाना है, इसीलिए हम सुबह ये काम बहुत जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं। अभी हमें तैयारी भी करनी है, वहाँ जाना भी है, और घर के भी थोड़े काम बाकी बचे हैं, उनको भी हम निपटाएंगे। तो अभी धूप भी अच्छी है, मौसम थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, धूप आ रही है और उसके बाद फिर से बदली हो जा रही है। उम्मीद है कि पूरा दिन धूप खिली रहेगी तो हमारे पापड़ भी अच्छे से सूख जाएंगे। हम यही सोच रहे हैं कि बिल्कुल भी मौसम ख़राब ना हो। अगर मौसम ख़राब हो जाएगा तो हमारे सारे पापड़ ख़राब हो जाएंगे। अभी हमने आलू के पापड़ नहीं बनाए हैं, आलू के पापड़ हम कल बनाएंगे। हमने आलू की चिप्स बनाई हैं सुबह, तो चिप्स भी हमने फैला दी हैं दोस्तों। अभी हमारी कचरी बन रही है, बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, बच्चे तैयार हो रहे हैं। सुबह का खाना हमने बना लिया है, बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं। अब सिर्फ ये पापड़ बनाने के बाद हम तुरंत अपनी तैयारी में लग जाएंगे क्योंकि हमें जाना भी है दोस्तों। बिटिया लोग तैयार हो गई हैं, हमारी भी तैयारी हो ही रही है, लगभग हो चुकी है। पापड़ हमने बना लिए हैं और हम सब लोग तैयार हो गए हैं। दोनों बेटियां तैयार हो चुकी हैं, बेटा भी तैयार होके घूम रहा है, बच्चे अपनी सेल्फी खींच रहे हैं, मोबाइल में मस्ती कर रहे हैं। तैयारी सबकी हो चुकी है और हम भी पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। गाड़ी हमारी आने वाली है, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी तैयारी हो चुकी है हमें घर जाने की। हम लोग पूजा में जा रहे हैं, जल्दी ही वापस भी आएंगे क्योंकि पापड़ हमारे पड़े हुए हैं छत पे, उनको उठाना भी है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये आयुष्मान है, ये भी तैयार है, बाहर बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं। सब लोग तैयार हो चुके हैं और अब हम आ चुके हैं अपनी मम्मी के घर में। तो देखिए, कथा हो रही है, कथा शुरू हो गई है। हम सब आए हैं तो आधे घंटे पहले पूजा शुरू हो चुकी थी दोस्तों, लेट पहुँचे हैं। ज्यादा लेट नहीं हुआ है, सिर्फ आधा घंटा ही हम लोग आए हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। मेहमान भी आए हुए हैं और आस-पड़ोस के लोग भी आए हुए हैं कथा में। मैं अपने वैभव के अनुसार पूजन करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, तथा मेरा पूर्वधन मुझे देकर मेरी रक्षा के लिए इस प्रकार साधु की भक्ति युक्त बात सुनकर चंडी स्वामी प्रसन्न हुए और साधु कन्या से बोले, धन का घमंड प्यारे मन से तो दूर करो। कथा हो चुकी है, अब हवन हो रहा है। हवन में सभी लोग एक एक करके हवन करेंगे। इस तरह से हमारे यहाँ हवन भी होता है, कथा के बाद हवन होना जरूरी होता है। सभी के यहाँ ऐसे ही हवन और कथा होती है दोस्तों। आशा है कि ये हमारा ब्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। अगर पसंद आ रहा हो तो कमेंट करके भी बता देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हमारी दोनों बहनें भी आ चुकी हैं, ये सब लोग हमसे पहले आ गई हैं, हम सबसे बाद में आए हैं। भाभी को बेटी हुई थी तो कथा उनकी अभी नहीं हुई थी, तो इसलिए कथा आज रखी गई थी और कथा हो रही है। अब कथा हो चुकी है, हवन भी हो चुका है, आप सभी लोग आरती करेंगे भगवान की। बहुत अच्छा लग रहा है, घर में कोई काम होता है तो बहुत अच्छा लगता है।